बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर्ज देने की क्या फजीलत है? सही जवाब है, नंबर एक, कर्ज देना आधे सदके के बराबर है। नंबर दो, दो दफा कर्ज देना ऐसा है जैसे उस रकम को सदका कर दिया। नंबर तीन, सदके का अजर 10 गुना और कर्ज का 18 गुना है। नंबर चार, कर्ज देने वाले को वक्ते अदायगी तक रोजाना उतनी रकम सदका करने का सवाब दिया जाता रहता है। माँ बाप की खिदमत करने वाले का क्या अंजाम होगा? सही जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नेक औलाद अपने वालिदैन को मेहरबानी के साथ निगाह करती है तो अल्लाह ताला उसे हर निगाह पर एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। पूछा गया, अगर दिन में 100 बार देखा जाए, हाँ खुदा पाक और बड़ा है। उम्मते मुहम्मदी का फिरौन किसे कहा जाता है? सही जवाब है, अबू जहल को। सोने का सुन्नत तरीका बयान करें। सही जवाब है, सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका यह है कि दाएं करवट पर दाया हाथ रुखसार के नीचे रखकर किबला की तरफ मुंह करके सोएं। अगर मुकम्मल वक्त उसी कैफियत से सोना मुश्किल हो तो कम अज कम सोने के लिए लेटते वक्त इस हैयत पर लेट जाइए। बसूरते दिगर सीधा लेटने में भी हर्ज नहीं, अलबत्ता पेट के बल उल्टा लेटकर सोना ना पसंदीदा और ममनू है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल उल्टा लेटे देखा तो फरमाया, इसे पेट के बल उल्टा लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? सही जवाब है, ऐसा शख्स जो हर मोमन मर्द और औरत के लिए मगफिरत की दुआ करता हो। कयामत के रोज अल्लाह ताला किस अजीम हस्ती की रूह खुद कब्ज करेगा? सही जवाब है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की।